हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने डिस्क के इस्तेमाल और उसकी दो एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया। डिस्क की पहली एप्लीकेशन ये थी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से कोई नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं तो वो मेथड इम्प्लिसिटली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख लेता है, ताकि वो उसके डेटा मेंबर्स का अपने कोड की कंप्यूटेशन में इस्तेमाल कर सकें। एक और एप्लीकेशन उसी में यह था कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो वो इम्प्लिसिटली दिस रिटर्न करता है, जो आपके रेफरेंस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाता है, जिससे वो रेफरेंस वेरिएबल हीप में बने उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रखता है और आप उस रेफरेंस वेरिएबल से उस मेमोरी ब्लॉक के वैल्यूज का इस्तेमाल और अपडेशन करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये था कि दिस इंट्रा क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग को फैसिलिटेट करता है, यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन की स्टेटमेंट से एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स कॉल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। इससे आपके कोड में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिड्यूस हो जाती हैं, आपको हर कंस्ट्रक्टर में एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखनी पड़ेंगी। आप डायरेक्टली जिस भी स्टेटमेंट्स को आपको कॉपी करना है वो वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करते जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दिस की तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन पर। दिस फैसिलिटेट्स मेथड चेनिंग। अब मेथड चेनिंग क्या है? अभी तक आपने देखा होगा कि स्वैप वाले एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन की स्टेटमेंट के बाद डिस्प्ले मेथड को कॉल किया था। अब डिस्प्ले मेथड क्या कर रहा था? वो उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के कंटेंट डिस्प्ले करा दे रहा था। फिर हमने उसके बाद स्वैप मेथड कॉल किया, जो हमारे कोड का कंप्यूटेशन वाला पार्ट था। फिर उसके बाद हमने उसी ऑब्जेक्ट से फिर से डिस्प्ले मेथड कॉल किया अपडेटेड वैल्यूज दिखाने के लिए। मतलब हमने ये बेसिक सा काम, जो ऑलमोस्ट अब तो हर क्लास में ही होना चाहिए, कि आप ऑब्जेक्ट के पहले वैल्यूज दिखाएंगे, फिर अपडेट करेंगे और फिर से वैल्यूज दिखाएंगे, तो ये बेसिक सा काम हमने तीन स्टेटमेंट में किया। मगर मेथड चेनिंग से हम यही काम एक स्टेटमेंट में कर सकते हैं और वही दिस फैसिलिटेट करता है। तो मान लीजिए मैंने ओबीजे डॉट एम वन एक मेथड कॉल किया, एम वन मान लीजिए डिस्प्ले मेथड है, फिर ओबीजे डॉट एम टू मेथड कॉल किया, मान लीजिए ये अपडेट मेथड है, फिर ओबीजे डॉट एम थ्री मेथड कॉल किया, मान लीजिए ये भी एक तरह का डिस्प्ले मेथड है। तो हम इन तीन स्टेटमेंट्स को एक में रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? ओबीजे डॉट एम वन पहले कॉल होगा स्टेटमेंट में, फिर एम टू कॉल होगा और फिर एम थ्री कॉल होगा। तो मतलब साइमल्टेनियसली आप इसमें कितने भी मेथड डॉट लगा लगा के लिख सकते हैं, सारे नॉन स्टैटिक होने चाहिए और वो ऐसे ही ऑर्डर में कॉल होते जाएंगे। जैसे सेमी कोलन आएगा ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। तो आप तीन से ज्यादा भी स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट में रिड्यूस कर सकते हैं मेथड चेनिंग से। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने स्वैप क्लास को थोड़ा अपडेट किया है मेथड चेनिंग दिखाने के लिए। तो बेसिकली अभी तक आपने देखा ही होगा कि हम जब ऑब्जेक्ट से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो वो इम्प्लिसिटली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख लेता है, ताकि वो उसके डेटा मेंबर्स का इस्तेमाल कर सके। मगर मेथड चेनिंग में अगर आपने ओबीजे डॉट एम वन पहले लिखा तो वो तो वॉइड रिटर्न करता था पहले पहले के कोड्स में। तो वॉइड जब रिटर्न हुआ तो वॉइड डॉट एम टू कॉल होगा तो कंपाइलर तो वही एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि वॉइड के पास एम टू नाम का तो कोई मेथड है ही नहीं। हमारी क्लास जो हमने बनाई है उसमें है एम टू मेथड, तो एम टू ऐसे कॉल हो ही नहीं सकता। एम टू अगर कॉल होना है तो उसके पास वही रिफरेंस आना चाहिए जिससे आपने एम वन कॉल किया था। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप हर मेथड में रिटर्न दिस कर देंगे और मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप रख देंगे। इससे क्या होगा कि जब आपने एम वन कॉल किया तो एम वन के आखिरी स्टेटमेंट में वही रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा जो उसे इम्प्लिसिटली मिला था। फिर वही रेफरेंस
अगले मेथड यानी कि M2 कॉल होने में इस्तेमाल हो जाएगा। फिर जब M2 की आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर वो रिटर्न दिस कर देगा, मतलब वो वही रेफरेंस वापस रिटर्न कर देगा और फिर वही रेफरेंस M3 कॉल होने में इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह से मेथड चेनिंग होती है कि आपको हर बार पिछले मेथड से अगले मेथड को कॉल करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करते रहना पड़ेगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करना पड़ेगा जिसमें वो मेथड है। तो मैंने मेन में केवल एक स्टेटमेंट लिखी है स्वैप दिखाने के लिए, मैंने इसमें एक स्टेटमेंट और रिड्यूस कर दी है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की थी। हम स्वैपर एस इक्वल्स टू न्यू स्वैपर 6.7 ज्यादातर लिखते थे, मैंने रिफरेंस वेरिएबल नहीं बनाया इस बार, मैंने डायरेक्टली लिख दिया न्यू स्वैपर 6.7। इससे भी वही काम होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है, मैंने एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ए में आ जाएगी 6 और बी में आ जाएगा 7। दिस डॉट ए यानी कि जो तुमने मेमोरी ब्लॉक बनाया है उसके ए में ये वाला ए डाल दो, मतलब जो भी अब ऑब्जेक्ट बना है उसके ए में 6 आ जाएगा और उसके बी में 7 आ जाएगा और फिर वो रेफरेंस ये कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली रिटर्न कर देगा और वही यहां पे आ जाएगा। फिर उसी इम्प्लिसिटली रिटर्न रेफरेंस से डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। डिस्प्ले मेथड ने मैंने नॉर्मल डिस्प्ले किया है ए इक्वल्स टू दिस डॉट ए, यानी कि जो इम्प्लिसिटली इसे रेफरेंस मिला है उसका ए कॉल करे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन बी इक्वल्स टू दिस डॉट बी, यानी जो उसे रेफरेंस मिला है उसका बी प्रिंट करे। तो इससे ए इक्वल्स टू 6 और बी इक्वल्स टू 7 प्रिंट हो जाएगा। ये एंड में रिटर्न कर देगा दिस। इस मेथड का रिटर्न टाइप भी स्वैपर ही है तो यहाँ कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। ये जो दिस रिटर्न हुआ ये आएगा यहाँ पे तो दिस डॉट स्वैप से इसी ऑब्जेक्ट से स्वैप मेथड कॉल हो जाएगा। स्वैप मेथड में मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड सी, सी इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी। ये भी स्वैप करने का एक तरीका है अगर आप वो प्लस वाली स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो। फिर मैंने यहां पे भी रिटर्न दिस कर दिया, वो रेफरेंस यहां वापस आएगा, दिस डॉट डिस्प्ले कॉल होगा। इस बार ए की वैल्यू हो गई है 7 और बी की वैल्यू हो गई है 6। तो बेसिकली हमने स्वैप वाला काम वही किया है मगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिड्यूस हो गई है मेथड चेनिंग की वजह से। तो इसी तरह से हमारा कोर्स का तीसरा मॉड्यूल खत्म होता है। अब अगले वीडियो से हम चौथा मॉड्यूल यानी कि इनहेरिटेंस एंड कोड रियूजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे।